गाइज, होटल से निकल के हम डायरेक्ट पहुंचे इस गली में जहां मिल रहा था ऑथेंटिक अफगानी फूड, जो अफगानियों द्वारा ही बनाया गया था और सर्व भी अफगानी लोग कर रहे थे। और आप देख सकते हो यहाँ बैठने का स्टाइल, कालीन पीछे जो बड़ा सा पिलो है वो भी पूरा ऑथेंटिक अफगानी था। और जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया, शुरुआत हुई हमारी सूप से, और सूप में था बहुत सारा लेमन। इतना अलग सा टेस्ट था ना फ्रेंड्स, मतलब यार ये टेस्ट करने के लिए ना आपको खुद ही इसको एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फूड मैं कहूँगी, कहीं पे भी नाम नहीं है अफगानी क्विजीन का, और लेकिन इतनी मज़ेदार है खाने में ना, बिल्कुल रिफ्रेशिंग सी। और ये साथ में जो ड्रिंक हम पी रहे हैं, इसको कहते हैं अफगानी लोग धोगे वतनी, या फिर तरवे भी इसको बोलते हैं। और बेसिकली ये बटर मिल्क होता है जिसमें स्लाइटली थोड़े से हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं, रिफ्रेश कर देता है आपको। और अफगानी फूड की एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कि आप मंगाओगे एक डिश और साथ में आएगी तीन या चार, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बहुत सारी होती है। स्पेशली जो रोटी होती है ना, वो कभी भी आपको ऑर्डर नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए, ऑर्डर नहीं करना है। आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करोगे ना, तो रोटी आपको मिलेगी मुफ्त में, कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे फेमस यहाँ के जो चीज़ रहती है वो है ये कबाब्स। कहते हैं ना एक जोक है कि अफगानिस्तान में खाने को क्या मिलेगा कबाब के अलावा, तो ये वही सिनारियो है। कबाब बहुत ही फेमस। और ये काबुली पुलाव, इसको काबुली उज़्बेगी कहते हैं। ये जो राइस आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पड़ती है किशमिश और मटन, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार। मतलब हम लोगों ने तो फ्रेंड्स इतना ज़्यादा इंजॉय किया ना, मतलब पेट फूट गया लेकिन नियत नहीं भरी, इतने टेस्टी। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्यूअर्स, जिसमें कबाब लगे हुए, ये तलवार जैसे दिखते हैं। तो मेरा जो ब्रदर है उसने मुझे बताया कि ये तलवार जैसे स्टाइल के स्क्यूअर्स इनके पास इसीलिए होते हैं सीख जिसे कहते हैं, क्योंकि जो पहले वहाँ पे कुछ राजा वगैरह जो होते थे वो कभी जंग पे जाते थे, तो तलवार पे ही गोश्त लगा के सेक के उसको खाते थे। तो वही ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इनके स्क्यूअर्स वैसे दिखते हैं। और ये जो मैं खा रही हूँ अब, इसे कहते हैं आशक, और ये मोमो नहीं है, मोमो जैसे दिखते हैं लेकिन मोमो नहीं है। और ये सबसे फेमस चोपान कबाब, जो जिसे कहते हैं काबुल की शान, और ये मटन के होते हैं और इतने गज़ब के होते हैं ना, मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी भी नहीं खाई है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्विजींस मैं कहूँगी जो मैंने टेस्ट करी है, वो है ये कबाब और अफगानी फूड। अफगानी फूड बहुत ही अंडररेटेड है लेकिन बहुत मज़ेदार है। और भिंडी जो है ये कुकर में बनती है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, मतलब मेरी फेवरेट सब्ज़ी है भिंडी, और जब से मैंने ये भिंडी खाई है ना, मैं वो इंडियन स्टाइल भिंडी बहुत ही कम बनाने लगी।